अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस लेक्चर। आज साइंस के लेक्चर में हम कर रहे हैं अपना रिटन क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क, ऑल ऑफ यू प्लीज़, आप सबने मेंशन करना है अपनी नोटबुक पर आज की डेट। आज की डेट मेंशन करनी है, विच इज़ 15/4/21। फर्स्ट लाइन के सेंटर पे आपने लिखना है C.W. एंड राइट कॉर्नर पे आपने आज का डेट लिखना है, दैट इज थर्सडे। उसके बाद फर्स्ट लाइन में आपने लिखना है, फर्स्ट फोर लाइन्स जो सी हैं उसमें आपने लिखना है यूनिट नंबर 2। इन सेकंड फोर लाइन्स आप लोगों ने आज का टॉपिक लिखना है। टॉपिक है हमारा फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिछली क्लास में भी हमारा ये क्वेश्चन था, फाइव सेंसेस से रिलेटेड टॉपिक था। इस बार भी हमारा टॉपिक फाइव सेंस से रिलेटेड ही है। अगर आपको याद हो, अगर आप बच्चों ने अच्छे से याद किया हो, तो हमारा पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछले क्वेश्चन में हमने फाइव सेंस ऑर्गन्स के नाम पूछे थे आपके, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स पूछे थे कि कितने हमारे जिस्म में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उसको मैंने आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की थी कि हमारे जिस्म में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। आज हमने उन्हीं सेंस ऑर्गन्स के में से किसी तीन के नेम लिखने हैं। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, मुझे सबसे पहले कुछ बच्चे थोड़ा सा बताएं कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था, सीखा था, कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं इन अ ह्यूमन बॉडी, या हमारी या आपकी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। देयर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स बतानी है? सेंसेस नहीं बतानी, सेंसेस होती हैं टच, साइट, हेयर, टेस्ट वगैरह, लेकिन सेंस ऑर्गन्स बताने हैं। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स वो हिस्से जिनसे हम सेंस करते हैं, जिस्म के वो हिस्से जिनसे हम सेंस लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ये हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एक दफा फिर से इनके नाम सुन लें। आइज से हम देखते हैं, नोज से हम सुनते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, ईयर्स से हम सुनते हैं, और नंबर 5 स्किन। स्किन से हमारी टच सेंस आती है, टचिंग वाली सेंस आती है। तो ये फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं। हमने इनमें से कोई से भी तीन नेम्स आज लिखने हैं। तीन सेंस ऑर्गन्स के नेम लिखने हैं। फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, उनमें से कोई से भी तीन। इन पांचों में से आपको जिसके स्पेलिंग इजी लगते हैं आप कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं, बट मैं आपको जो स्पेलिंग लिखवा रही हूँ वो मैं लिखवा रही हूँ आइज, नोज एंड ईयर्स। मैं आपको आइज, नोज और ईयर्स के स्पेलिंग लिखवा रही हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं स्किन तो आप लिख सकते हैं, एक अपनी मर्जी का, या अगर आप टंग के स्पेलिंग भी लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सब सेंस ऑर्गन्स का फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है और सेंटर में कॉमा भी लगाना है। तो राइट एनी थ्री सेंस ऑर्गन्स नेम। थ्री सेंस ऑर्गन्स के नेम हम लिखने लगे हैं। सबसे पहला हमारा सेंस ऑर्गन है आइज। आइज के स्पेलिंग आपने नर्सरी क्लास में बहुत अच्छी तरह किए हैं अपने रिटर्न में, सो टेल मी द स्पेलिंग्स ऑफ आइज। आप सबको आने चाहिए आइज के स्पेलिंग। क्या स्पेलिंग होते हैं आइज के स्टूडेंट्स? व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ आइज? सबसे पहले क्या आता है आइज में? आइज का फर्स्ट लेटर क्या होता है? ई, कैपिटल ई। कैपिटल ई हैज अ स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट थ्री लाइन्स, अ स्लीपिंग लाइन, एन अदर स्लीपिंग लाइन एंड एन अदर स्लीपिंग लाइन। थ्री स्लीपिंग लाइन्स विद वन स्ट्रेट लाइन मेक्स लेटर ई, कैपिटल ई। एंड आई ई के बाद आगे नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट कौन सा आएगा? ई वाई, ई वाई। वाई की फॉर्मेशन क्या होती है? सबसे पहले हम यू की तरह का एक अच्छा सा कप बनाएंगे इन ग्रास लाइन्स, उसके बाद हम बनाएंगे स्ट्रेट लाइन एंड अ कर्व, और वाई का कर्व लाइन को टच करना चाहिए, लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। ई वाई। आगे क्या स्पेलिंग होते हैं स्टूडेंट्स के? आई के क्या स्पेलिंग होती है? ई वाई ई आई, ई वाई ई आई, आई एक आंख। अगर हम ई वाई ई लिखते हैं तो इसका मतलब है सिंगल आई, एक आंख, ई की फॉर्मेशन, हाफ सर्कल इन ग्रास लाइन्स एंड अ स्लैंटिंग लाइन। दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ ई, ई वाई ई।
और ये एक आंख है, और अगर ई वाई ई के साथ हम एस लगा देते हैं तो ये हमारी दोनों आंखें, आई एक आंख, आईज दोनों आंखें, ठीक है। आई एक आंख और उसके साथ जब हम एस लगा देते हैं तो वो हमारी दोनों आंखें बन जाती हैं, ई वाई ई एस आईज, ई वाई ई एस आईज। उसके आगे आपने कॉमा लगाना है, कॉमा किस तरह लगाएंगे, एक छोटा सा आपने सर्कल बनाना है लाइन के ऊपर, ये देखिए ये छोटा सा सर्कल बनाया, फिल्ड सर्कल है ये, और उसके आगे एक स्लांटिंग लाइन, ये है आपका कॉमा। वन फिंगर का गैप देना है आपने आईज के आगे, वन फिंगर का गैप देके फिर आपने नेक्स्ट अपना सेंस ऑर्गन का नेम लिखना है, जो कि है मैं लिखने लगी हूँ नोज। नोज के स्पेलिंग भी आपने अपने नर्सरी में रिटर्न में बहुत अच्छी तरह, इंग्लिश रिटर्न में पार्ट्स ऑफ बॉडी में बहुत अच्छी तरह लिखे थे, तो आप सब मुझे बताएंगे व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ नोज। न, न इज द साउंड ऑफ एन, एन हैज अ स्ट्रेट लाइन, अ स्लैंटिंग लाइन एंड एन अदर स्लैंटिंग लाइन। न ओ, ओ फुल सर्कल इन सेंटर टू लाइन्स। नो स, किसकी साउंड है स्टूडेंट्स, इज द साउंड ऑफ एस, एस इन सेंटर टू लाइन्स मीन्स ग्रास लाइन्स, प्यारा सा आपने एस लिखना है लाइन्स को टच करके, लाइन से बाहर नहीं निकालना। एन ओ एस आगे लास्ट लेटर हमारा क्या आएगा, ई, एन ओ एस ई नोज, एन ओ एस ई नोज, एन ओ एस ई नोज। ई हैज अ हाफ सर्कल एंड अ स्लांटिंग लाइन मेक्स लेटर ई, एन ओ एस ई नोज। आईज कॉमा नोज, उसके आगे फिर वन फिंगर के गैप से हमने कॉमा लगाना है, फिल्ड फुल सर्कल विद वन स्लांटिंग लाइन। आपने ये इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूलना नहीं है, ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर का हिस्सा है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। आईज नोज और उसके आगे हमारा नेक्स्ट कौन सा है लेटर, सेंस ऑर्गन का नेम कौन सा है, आईज नोज एंड ईयर्स। ईयर्स के स्पेलिंग भी आपने अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी में नर्सरी क्लास में किए थे, ये भी आपको स्पेलिंग आने चाहिए, बहुत ईजी आज का हमारा आंसर है। ईयर्स में ई, कैपिटल ई लिखेंगे हम, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अदर स्लीपिंग लाइन एंड अदर स्लीपिंग लाइन। ईयर्स ई, ए, ए हैज अ स्ट्रेट लाइन, टेल एंड अ हाफ सर्कल जो प्रॉपर ग्रास लाइन्स को टच करेगा। E A R, R R is the R is the sound of R, straight line, slanting line and a little small straight line, E A R E R। जिस तरह आईज में E Y E I एक आंख होती है और उसके जवा साथ हम जब S लगा देते हैं तो वो दो आईज हो जाती हैं, दो आंखें हो जाती हैं, इसी तरह ईयर में भी E A R ईयर हमारा वन ईयर होता है, और जब हम ईयर के साथ S लगाते हैं तो हमारे दोनों ईयर्स बन जाते हैं, ठीक है। ये भी आप इंग्लिश में आगे सिंगुलर प्लूरल में इसका कॉन्सेप्ट हमें बताएंगे, हम आपको बताएंगे S का। ईयर्स के आगे का लिखने के बाद स्पेलिंग के आगे आपने क्या प्लेस पुट करना है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने अपने आंसर के आगे फुल स्टॉप लाजमन लगाना है, जब भी कोई इंग्लिश का सेंटेंस या आंसर खत्म होता है उसके आगे फुल स्टॉप लगाते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो वो आपकी मिस्टेक होगी। आपने बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही आंसर लिखना है, और हमने आज लिखे हैं थ्री सेंस ऑर्गन्स नेम, राइट एनी थ्री सेंस ऑर्गन्स नेम्स। थ्री सेंस ऑर्गन्स के नेम है हमारे पास क्या है, E Y E S eyes, वन फिंगर गैप के बाद कॉमा, फिर उसके बाद N O S E nose, फिर वन फिंगर गैप के बाद कॉमा, और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है E A R S ears। eyes यानी कि हमारी आंखें, nose हमारी आंख, और ears हमारे दोनों कान, ठीक है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। आपने होमवर्क में बिल्कुल ऐसा ही काम अपने नेक्स्ट पेज पे एज ए होमवर्क करना है, लेकिन सी डब्ल्यू की जगह आप एच डब्ल्यू लिखेंगे, और आपने बहुत नीट लाइंस को टच करके प्रॉपर आपका एक एक लेटर लाइन को प्रॉपर टच करना चाहिए, जहां आपके लेटर लाइन से बाहर निकलेंगे वहां हमने आपकी मिस्टेक्स निकाल देनी है और वहीं आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन का बहुत ख्याल रखना, आप अपना भी बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।